नमस्कार दोस्तों, ग्रेट एको कविता एक एहसास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कविता मन को उर्वर बनाती है और संवेदना को सिंचित करती है। मनुष्य जन्म से ही उर्मिशील और अपनी आसपास के प्रकृति से संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई अपनी भावना को शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करता है तो कोई किसी के शब्दों को अपनी वाचा देकर। भूमिकाएं अलग हो सकती है पर कविताएं एहसास के पन्नों पर लिखी जाती है। उसकी प्रस्तुति कोई भी करे, उसकी असर तले आए बगैर नहीं रह सकता। आज की कुछ चुनी हुई कविताएं यहां प्रस्तुत करने का एक नम्र प्रयास है। आइए सुनते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती है, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सैल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफहा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई माने नहीं उगते। बहुत सी इसत लाहे है जो मिट्टी के सिकुरों की तरह बिखरी पड़ी है। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला, जुबा पर जायका आता था जो सफहे पलटने का। अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जभी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा बाद में भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तुम मन में ठान कर तो देखो, संकल्प पूरा करना मेरा काम है। तुम व्यर्थ की चिंता में परिणाम से भयभीत होते हो, एक बार उस और कदम बढ़ा कर तो देखो। तुम्हें अभय करना मेरा काम है, तुम हार की चिंता में स्वयं को हरा देते हो, एक बार जीत की कल्पना करके तो देखो। गंतव्य तक पहुंचना मेरा काम है, तुमने कुछ किया ही नहीं और फल की आशा छोड़ दी। छोटा सा कर्म का प्रारंभ तो कर दो, तुम्हें कृतार्थ करना मेरा काम है। जिसने भी तुम्हें हराया है वो कोई और नहीं था, जिसने भी तुम्हें हराया है वो कोई और नहीं था, तुम स्वयं थे। हताशा से बाहर निकल कर तो देख लो, अजात शत्रु बनाना मेरा काम है। तुम मन में ठान कर तो देखो, संकल्प पूरा करना मेरा काम है। प्रेम को भ्रम है कि वो शाश्वत है, घृणा को भ्रम है कि वो क्षणिक है,
वासना को इस बात का भ्रम है कि वो अपवित्र कर देती है प्रत्येक संबंध को। प्रेम कितना भी पवित्र क्यों ना हो, जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो न चाहते हुए भी शारीरिक हो जाता है। होठों को ये भ्रम है कि वे बोलते हैं, घड़ी की सुइयों को भ्रम है कि वे समय का निर्धारण करती है। तुम्हारे वक्ष पर उगे तिल को इस बात का भ्रम है कि वहीं एकमात्र केंद्र बिंदु है मेरे प्रेम का। देह आकर्षण मात्र होती है, प्रेम व्यक्ति विशेष से ही किया जाता है। उसे भ्रम है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, मुझे भ्रम है कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता। तुम्हें इस बात का भ्रम है कि सफल होगी तुम्हारी प्रेम साधना और मैं मिल जाऊंगा तुम्हें एक दिन, लेकिन दो समानांतर रेखाओं का अनंत पर मिलना भी एक भ्रम ही है। आत्मा को भ्रम है कि वो अमर है, देह को भ्रम है कि वो नश्वर है, हृदय को इस बात का भ्रम है कि उसके संकेतों को लोग अंतरात्मा कहते हैं। वास्तव में सत्य वह है ही नहीं जिसे तुम सत्य समझते हो, क्योंकि सत्य का निर्धारण भी स्वयं तुमने किया है। आस्तिक को भ्रम है कि कोई ईश्वर है, नास्तिक को भ्रम है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को इस बात का भ्रम है कि उसी ने रची है यह सकल सृष्टि, वही एकमात्र सृजन करता है इस समस्त संसार का। यदि संसार का सृजन करता ईश्वर है तो कोई और भी अवश्य रहा होगा जिसने रचा होगा ईश्वर को।